पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राकेश सिन्हा ने कहा कि केंद्र की सरकार जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। उन्होंने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री से सवाल किया है कि क्या पिछले 60 दिनों में कितनी कमी या बढ़ोतरी हुई, यह स्पष्ट करना चाहिए। पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती कर देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास ना करें। इन्हें यह बताना चाहिए कि पिछले 60 दिनों के अंतराल में पेट्रोल और डीजल पे 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई और घटाया कितना गया, पेट्रोल में 8 रुपया और डीजल में 6 रुपया। तो स्वाभाविक तौर पे अभी भी दाम वही है। जहां 105 रुपया पेट्रोल बिक रहे थे, आज पेट्रोल 98 रुपया बिकेगा। जहां डीजल 100 रुपये बिक रहे थे, वहां डीजल 95 रुपया बिकेगा। तो इसमें जनता को भलाई कहां हुई, जनता को सब्सिडी कहां मिला। और प्रधानमंत्री जी को यह बताना भी चाहिए कि जो 8 सालों में पेट्रोल और डीजल के दामों में उत्पाद शुल्क में जो 27 लाख करोड़ रुपया केंद्र की सरकार ने कमाई की है, वो पैसा कहां गया, वो किस इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हुआ। तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी चेहरा पे दाग है और आईना साफ करने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश की जनता और राज्य की जनता इस बात को भली भांति जानती है और समझती है।